हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों को ही सी कैसे समझाएं। क्या होता है कि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब कोई मैस्कुलिन जेंडर है या फिर मेल पर्सन है, उनमें वो सी लगा देते हैं। ओके, या फिर फेमिनिन जेंडर है, फीमेल पर्सन है, तो उनमें ही लगा देते हैं। तो ये बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं। ओके, तो हमें क्या होता है, हमें समझाना होता है बच्चों को। तो हमें किस तरह से समझाना होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जनरली हमें क्या होता है बच्चों को समझाना रहता है, एच ही का मतलब भी होता है वह, और एस एच ई सी सी का मतलब ये होता है वह। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि ही का यूज़ बेटा मेल पर्सन के साथ किया जाता है। ओके, यानी मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसे हिंदी में पुलिंग कहते हैं, मेल पर्सन के साथ ही का यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे को जेंडर नहीं भी पता होगा तो वो इससे वो समझ जाएगा कि मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं मेल पर्सन को। मेल पर्सन जैसे हम उनसे कहेंगे कि जैसे तुम्हारे पापा, भाई, ठीक है, बाबा हो गए, दादा हो गए, नाना हो गए, ये सब जब वो मेल पर्सन में आते हैं तो उनके साथ ही का यूज़ करना है। ओके, उनके साथ ही का यूज़ करना, और सी का यूज़ करना है फीमेल पर्सन के साथ, यानी कि फेमिनिन जेंडर के साथ, जैसे मम्मी हो गई, ओके, बहन हो गई, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, तो इनके साथ क्या होता है, आपको सी का यूज़ करना है। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे। और इसके बाद हमें बहुत ज़रूरी है वर्कशीट्स तैयार करना होगा बच्चों को समझाने के लिए। और वर्कशीट्स हम कैसे तैयार करेंगे, बच्चों को उसमें क्या देंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है वो वर्कशीट जिसके बारे में मैंने बताया। तो जब तक बच्चे समझेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, हमें ही इस तरह से वर्कशीट्स तैयार करनी होगी और बच्चों को लिखने के लिए देना होगा, और वो समझते भी जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया है, फील करने के लिए दे दिया है इधर डैश इज अ गुड गर्ल। अब हमें बच्चों को बताना है कि देखो यहाँ पर क्या है, गर्ल है, तो गर्ल किस में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है, फीमेल पर्सन में आता है, तो क्या यूज़ करना होगा, ही या सी। तो अगर बच्चे को नहीं आएगा तो उन्हें पहले बताना होगा, फिर बच्चा खुद ब खुद फील करेगा सी, सी इज़ अ गुड गर्ल, क्योंकि गर्ल फेमिनिन जेंडर में आया, फीमेल पर्सन है इसलिए। ओके, और फिर डैश इज राधा, तो राधा भी क्या है, फीमेल पर्सन का नाम है, तो सी इज राधा, तो बच्चा लिखेगा सी। फिर इज मोहन, तो मोहन भी है मेल पर्सन का नाम, तो ये हो जाएगा ही इज मोहन। तो इस तरह से बच्चे क्या होंगे, वो फील करेंगे। फिर डैश इज मिस्टर श्याम, तो मिस्टर श्याम क्या हुए, फीमेल पर्सन में आए कि मेल पर्सन में आए, हम बच्चे से पूछेंगे इस तरह से, तो वो समझेंगे कि नहीं, मिस्टर श्याम तो मेल पर्सन में आए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ही, एच ही। उसी तरह से डैश इज माई मदर, मतलब हमें डैश के इधर ऐसा इस तरह से लिखना है कि बच्चे को पहचानने में आसानी हो कि वो क्या हो सकता है, फीमेल पर्सन हो सकते हैं, यानी ही का सी का यूज़ करेंगे, या फिर मेल पर्सन है ही का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो डैश इज माई मदर, तो मदर है तो निश्चित है कि सी का ही यूज होगा। उसी तरह इज अ पोस्टमैन, तो पोस्टमैन है तो मैन है, इसका मतलब ही का यूज होगा, तो ही इज अ पोस्टमैन। ये इजी वाला हम देंगे उन्हें, ये इस तरह से हम उन्हें समझाएंगे। फिर दूसरी वर्कशीट है, देखिए अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, फिर यहाँ पर डैश फील करने के लिए दिया है, जैसे दिस इज रूपा, ये रूपा है, डैश इज डांसिंग, तो निश्चित है कि यहाँ पर सी होगा, क्योंकि रूपा तो फीमेल पर्सन का नाम है, तो सी होगा, सी इज डांसिंग। उसी तरह मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मोहन है, मोहन मेल पर्सन का नाम है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ही रीड्स इन क्लास वन में रीड्स की स्पेलिंग आर ई ए डी एस होगी, रीड्स इन क्लास वन, तो ही। और हमें साथ साथ ये भी बताना है बच्चों को कि इसका मीनिंग क्या हुआ, जिससे बच्चे क्या हो, हिंदी भी समझते जाएं, ठीक है, तो उन्हें आराम होगा समझने में भी। फिर माय फादर इज अ टीचर, तो फादर है तो क्या हो गया, डैश लव्स मी,
तो क्या हो जाएगा, ही लव्स मी। ओके, फिर माई टीचर इज वेरी नाइस मैन। अब देखिए माई टीचर से तो पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पर हमने मैन लगा दिया है, मैन। मैन से तो पता चलता है कि ही लगेगा कि सी लगेगा। तो इस तरह से बच्चों को देंगे तो डैश इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई टीचर इज वेरी नाइस मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके, अगर ये ना भी रहे, अगर मैन भी रहे तो पता चल जाएगा बच्चों को कि ही लगेगा। ये आप सिंगल भी इस तरह से दे सकते हैं। अब इसी तरह से हम ये भी दे सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है बच्चों को कि सही पे टिक करना है। जैसे ही सी इज रोहन, तो रोहन किसका नाम है, बच्चे से पूछेंगे रोहन बताओ कौन है, मेल पर्सन में आएगा या फिर फीमेल पर्सन में, मतलब बॉय है कि गर्ल है, इज रोहन, तो वो टिक होगा ही इज रोहन। इस तरह से बच्चा टिक करेगा। उसी तरह ही सी इज अ लेडी टीचर, यहाँ पर लेडी टीचर आ गया, ठीक है, लेडी टीचर है, इसका मतलब है कि सी होगा, तो सी इज अ लेडी टीचर। फिर इज माई ब्रदर, तो उसी तरह से ब्रदर हो गया, तो ब्रदर है तो ही होगा क्योंकि मेल पर्सन में है। फिर सी इज योर मदर, तो मदर है तो फीमेल पर्सन में है। तो इस तरह से हम बच्चों को जब देते जाएंगे तो बच्चा सीखते जाएगा। देखिए ऐसे बच्चे को रटा देने से वो समझेगा नहीं जब तक कि हम थोड़ी मेहनत ना करें। हमें तो मेहनत करनी ही होगी, वर्कशीट इस तरह से बनाकर देना होगा बच्चों को जिससे वो एकदम समझ जाए, दिमाग बिल्कुल उनका समझ जाए कि हाँ ही सी में क्या अंतर होता है, तो वो अच्छे से बना लेंगे इसे, ठीक है। ही सी इज रोहन सिस्टर, रोहन की बहन है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को समझाना होगा कि जब इस तरह से एस लगा हुआ है तो का या की उसको हिंदी में कहते हैं, जो यहाँ पर एस इस तरह से लगा हुआ है ऊपर में, तो रोहन की या रोहन का इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ उन्हें जरूर बताइए जिससे उन्हें समझने में आसानी हो। तो रोहन सिस्टर, तो रोहन की बहन, तो सी इज रोहन सिस्टर हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो ऐसे क्या करेंगे बच्चे, रोहन देखेंगे तो बस ही पे टिक लगा देंगे, इसलिए हमें उन्हें ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ाना है तो हमें भी मेहनत करनी होगी जिससे वो अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से वो समझ सके सारी चीज़ों को। तो वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इन्हें सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर में, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा और बेल बटन भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।